भाजपा उम्मीदवार सरोज पांडे की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री साय कोरबा के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिसके पश्चात ओपन थिएटर घंटा घर में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को खाता खोलने का अवसर नहीं मिलने वाला है। प्रदेश में भाजपा के कार्यों से लोगों में उत्साह है और हमें समर्थन भी दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी हताश हैं, इसलिए आए दिन उनके उल्टे सीधे बयान सामने आ रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव बाकी चुनाव से अलग है और इस बार ये लोकसभा का चुनाव 10 साल के लगातार काम के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार गरीबों की चिंता करी और गरीबों की चिंता करके उन्होंने भारत की राजनीति के परिदृश्य को बदल दिया है। आज जिस प्रकार की योजनाएं भारत में लागू हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि आने वाले समय में भारत और मजबूती से आगे बढ़े। मैं कहीं बहुत दूर नहीं जाती हूं, मैं मेरे कोरबा लोकसभा क्षेत्र की बात करती हूं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कटघोरा से लेकर रायपुर तक की सड़क इसका जीता जागता प्रमाण है कि यह इतनी अच्छी सड़क बनी है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। वो सड़क को एक बार देखिए और उस सड़क को, मेरा ख्याल है उस सड़क के लिए एक वोट तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर बनता है। कटघोरा से रायपुर पहले की सड़क और अभी की सड़क में देखिए, 5 साल हमारे पहले, आज से 4 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कुसमुंडा की सड़क देख लीजिए क्या हालात है। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश का मजबूती से नेतृत्व करते हैं। एक सबल और सक्षम नेतृत्व अगर किसी ने दिया है, वो आदिवासी नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विष्णुदेव साय के रूप में दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां बूथ का कार्यकर्ता ये बात समझता है कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं और इस देश में सबको समान अवसर मिलता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां पर भी झुग्गी झोपड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसमें ये कहा कि जहां पर भी झोपड़ी है उन सब जगहों पर पक्का मकान बनाकर देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, हमारी भाजपा करेगी। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा और 140 करोड़ पूरा भारतवासी ला जो अपना परिवार मानते और पूरे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, आज तक कभी छुट्टी नहीं ली से, आज हमला ये देश ला विकसित भारत बनाना है। आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है, ओकर ये चुनाव में, और ओकर लिए हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, सरोज दीदी ला भारी मत से जिता के सांसद बना के भेजना पड़ी। आप सब सहमत हो ना? आप सबके आशीर्वाद है ना सरोज दीदी के ऊपर में? ये कोरबा क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा प्रत्याशी मिली नहीं जो महापौर भी रहीन, विधायक भी रहीन, सांसद भी रहीन, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये ट्राइबल बाहुल्य, आदिवासी बाहुल्य, आज जितना मान और सम्मान हमारे आदिवासी मन के भारतीय जनता पार्टी में मिलते उतना कांग्रेस में कभी नहीं मिली से। आजादी के 75 साल में 55 साल 60 साल कांग्रेस के सरकार चली से देश में, केंद्र में भी और हर प्रदेश में भी, लेकिन हमारे आदिवासी भाई मल्ला खाली वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करी से, वोट बैंक के रूप में कोई उमन के विकास की चिंता नहीं करी।
अगर विकास के चिंता होती तो छत्तीसगढ़ राज बना के देतीन, लेकिन वो मन नहीं देन। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी मन के विकास के लिए अलग से भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करीन। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहें तो ये देश के आदिवासी मन के ठीक से विकास हो, इसलिए पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन। आज देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के, आज में कौन बैठी से? हमारे आदिवासी समाज के एक हमारे बहन द्रौपदी मुर्मू वो बैठी से। आज ये सम्मान अभी कहते हैं कि ये चुनाव तक चलने वाला है, चुनाव के बाद में बंद हो जाही, ये भ्रम में भी पड़ना नहीं है। ये हमेशा मिली, हर महीना मिली। हमारे वित्त मंत्री जी बैठे ने यहाँ, ओपी चौधरी जी, ये मतलब मैं आग्रह करे हूं कि आप हर महीना पहले सप्ताह में ही हमारी माता बहनों का 70,12,600 माता बहनों का खाता में आप पहले सप्ताह में पैसा भेज दीजिएगा। और ये सरकार हर महीना पहले सप्ताह में महतारी बंधन योजना के पैसा भेजे के काम करी। आज 1,00,000 रुपया के मन फार्म भरवाते हैं, 8,000 रुपया महीना के आप मतलब लगते मन नहीं। ठीक है, फोन करें सर। सर पहले चरण का चुनाव होना है, प्रदेश में 102 सीटों पर मतदान होना है, क्या उम्मीद है? देखिए, आज तो हम लोग यहाँ पर कोरबा संसदीय क्षेत्र की हम लोगों की लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे का नामांकन फाइल कराने यहाँ पर आए हैं। हमारे डिप्टी सीएम भी हैं श्री अरुण साहु जी, प्रत्याशी जी हैं, हमारे मंत्री देवांगन जी हैं, रामविचार जी हैं, श्याम ओपी चौधरी जी भी हैं, रेणुका सिंह भी हैं, और हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, और भारी उत्साह है पूरे प्रदेश में। हम तो अधिकांश क्षेत्रों में जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, मतदाता में भी उत्साह है, मोदी जी के कामों से प्रभावित हैं, और 4 महीने में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी मोदी की गारंटी को पूरा करने में जो काम की है सबसे प्रभावित हैं। और इस बार निश्चित रूप से कोरबा सहित छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छत्तीसगढ़ में कोरबा और बस्तर 2 सीट